Hello everyone, my name is Aditya Paliwal and I welcome you all to my YouTube channel. As you all know, कोई भी competitive exam को crack करने के लिए अपन को चाहिए कि अपन maximum question attempt करें in minimum amount of time. उन questions की speed fast करने के लिए आज मैं आपके लिए लाया हूँ time, speed and distance की tricks. इन tricks को समझने के लिए आपके concepts clear होने चाहिए. अगर आपने concepts वाली videos नहीं देखी है तो मेरे YouTube channel पर जाकर time, speed and distance की concept वाली videos देखिए. आइए स्टार्ट करते हैं ट्रिक्स. जो फर्स्ट ट्रिक है अपने पास वो है, अगर कोई पर्सन ए से बी की तरफ जा रहा है, स्पीड है उसकी ऐसे, एट द सेम टाइम दूसरा पर्सन बी से ए की तरफ जा रहा है उसकी स्पीड है एस बी. ये दोनों मान लो किसी भी मिड पॉइंट पर मिलते हैं या एक पॉइंट पर मिलते हैं, उस पॉइंट का नाम है सी. सी पॉइंट पर मिलने के बाद ए को सी से बी तक जाने के लिए जो टाइम लगता है वो मान लिया अपन ने टी ए. इसी तरीके से बी को सी से ए की तरफ जाने के लिए जो टाइम लगता है वो है टी बी. तो इस केस में जो इनकी स्पीड्स का रेशियो होता है यानी स्पीड ऑफ ए डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ बी वो होगा अंडर द रूट ऑफ टाइम टेकन बाय बी फ्रॉम सी टू ए दैट इज टी बी एंड टाइम टेकन बाय ए फ्रॉम सी टू बी दैट इज टी ए. एज यू ऑल नो स्पीड और टाइम का इनवर्स रेशियो होता है. तो अगर स्पीड तेज होगी तो टाइम कम होगा, अगर स्पीड कम होगी तो टाइम ज्यादा होगा. ये इनवर्स रिलेशन होता है, इसीलिए जो स्पीड ऑफ ए है उसका स्पीड ऑफ बी से रेशियो निकालते हैं. तो अपन ऊपर रखेंगे न्यूमरेटर में टाइम टेकन बाय बी उसका अंडर रूट और डिनोमिनेटर में रखेंगे टाइम टेकन बाय ए उसका अंडर रूट. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसी ट्रिक में से. अगर वो बोलता है कि टोटल डिस्टेंस जो है वो डी है, इस इंफॉर्मेशन के साथ अगर अपन को टोटल डिस्टेंस निकालनी होगी तो उसके लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा. यहां पर अगर अपन इस पॉइंट की डिस्टेंस की बात करेंगे तो ये होगी स्पीड ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय टाइम टेकन बाय ए, क्योंकि अपन को पता है डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम. तो ये डिस्टेंस सी से बी तक हो जाएगी स्पीड ऑफ ए इनटू टाइम टेकन बाय ए दैट इज एस ए इनटू टी ए. इसी तरीके से ये जो डिस्टेंस होगी ये होगी स्पीड ऑफ बी इनटू टाइम टेकन बाय बी दैट इज एस बी इनटू टू टी बी. तो टोटल डिस्टेंस निकालना है अपने को तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा एस ए इंटू टी ए प्लस एस बी इंटू टी बी. यहां पर ध्यान रखिएगा टी ए और टी बी जो टाइम है वो दोनों एक दूसरे को मीट करते हैं, उसके बाद जो डेस्टिनेशन है वहां पर पहुंचने का टाइम है. दो ट्रिक्स आ गई अपने पास, फर्स्ट रेशियो ऑफ स्पीड एंड सेकेंड डिस्टेंस. थर्ड ट्रिक जो है यहां पर, अगर इसी क्वेश्चन में अपने को सिर्फ टी ए और टी बी दिया हुआ है और वो पूछता है कि आफ्टर हाउ मच टाइम ए एंड बी विल मीट, तो इन दिट केस their meeting time that is t will be under the root of ta and tb. तो यहां से अपने पास तीन ट्रिक्स आती हैं. फर्स्ट स्पीड का रेशियो, सेकंड डिस्टेंस निकालना है तो वो हो जाएगा स्पीड ऑफ a इनटू टाइम a प्लस स्पीड ऑफ b इनटू टाइम ऑफ b. और थर्ड ये अगर पूछता है कि आफ्टर हाउ मच टाइम दे विल मीट यानी a और b कितने टाइम बाद मिलेंगे तो वो हो जाएगा अंडर द रूट ऑफ ta एंड tb. आइए इसको एग्जांपल से समझते हैं. ए स्टार्ट्स फ्रॉम पी टू क्यू एंड बी स्टार्ट्स फ्रॉम क्यू टू पी. आफ्टर पासिंग ईच अदर दे कंप्लीट जर्नी इन 25 आवर्स एंड 36 आवर्स. फाइंड द रेशियो ऑफ देयर स्पीड्स एंड टाइम टेकन टू मीट ईच अदर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट. अब इस क्वेश्चन में अपन को दो चीजें निकालनी, एक तो स्पीड का रेशियो यानी फर्स्ट फॉर्मूला यूज करना है एंड टाइम टेकन टू मीट ईच अदर फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट यानी थर्ड फॉर्मूला यूज करना है. आइए करते हैं इस क्वेश्चन को. और ये पॉइंट है क्यू, ए जा रहा है पी से क्यू, स्पीड ऑफ ए मान लिया अपन ने एस ए, बी जा रहा है क्यू से पी, स्पीड ऑफ बी मान लिया अपन ने एस बी. ये मान लो इस पॉइंट पर मिलते हैं. इसके बाद ए को जर्नी कंप्लीट करने के लिए 25 आवर्स लगते हैं, इसी तरीके से बी को जर्नी कंप्लीट करने के लिए 36 आवर्स लगते हैं. अपन को फर्स्ट निकालना है रेशियो ऑफ देयर स्पीड्स. तो रेशियो ऑफ स्पीड का फॉर्मूला है एस ए अपॉन एस बी विल बी अंडर द रूट ऑफ टी बी अपॉन अंडर द रूट ऑफ टी ए दैट इज अंडर द रूट ऑफ 36 टाइम टेकन बाय बी एंड अंडर द रूट ऑफ 25 दैट इज टाइम टेकन बाय ए दैट कम्स आउट टू बी 6:5 यानी स्पीड का रेशियो हो गया 6:5. सेकेंड चीज अपने को निकालनी है टाइम टेकन टू मीच ईच अदर. अगर पी से निकला है ए, बी निकला है क्यू से, वो इस पॉइंट पर मिल रहे हैं, मतलब दोनों ने ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करी है इक्वल टाइम में ट्रेवल करी है, वो टाइम अपने को निकालना है.
तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा टी इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ टी ए मल्टीप्लाई बाय टी बी, दैट विल बी अंडर द रूट ऑफ 25 मल्टीप्लाई बाय 36. 25 का रूट आता है 5 मल्टीप्लाई बाय 6, दैट मीन्स आफ्टर 30 आवर्स दे बोथ विल मीट ईच अदर. यहां पर स्पीड का रेशियो आ गया अपने पास 6:5 और टाइम टेकन आ गया मीट ईच अदर 30 आवर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, A starts from P to Q at speed 30 km per hour and B starts from Q to P at speed x km per hour. After passing each other, they complete the journey in 9 hours and 4 hours. Find first ratio of their speeds, second total distance between P and Q and third time taken to meet each other. यहाँ पर अपने को तीनों चीजें निकालनी है, ratio of speed, distance and time. तो इस क्वेश्चन से अपने ये सारे ट्रिक्स के कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे. आइए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट पी एंड क्यू दो पॉइंट्स दे रखे हैं. ए पी से क्यू जा रहा है, अगर वो इस पॉइंट पर मिलते हैं यहां से उसको टाइम लगता है 9 आवर्स. इसी तरीके से बी को लगता है यहां से आने में 4 आवर्स. ए की स्पीड 30 दी गई अपने को, बी की स्पीड एक्स, अपन को एक्स की वैल्यू निकालनी है. तो स्पीड का जो रेशियो होता है वो अपने को पता है टाइम का इनवर्स रेशियो होता है. तो स्पीड ऑफ ए क्या हो जाएगी 30 डिवाइड बाय स्पीड ऑफ बी यानी एक्स इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय बी. टाइम टेकन बाय बी विल बी 4 आवर्स अंडर द रूट ऑफ 4. टाइम टेकन बाय ए विल बी 9 आवर्स अंडर द रूट ऑफ 9, दैट विल बी 2:3 व्हिच इंप्लाइज एक्स विल बी 30 × 3 डिवाइड बाय 2 व्हिच कम्स आउट टू बी 45 किलोमीटर पर आवर. दिस इज द स्पीड ऑफ बी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द टोटल डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू. द टोटल डिस्टेंस इज गिवन बाय स्पीड ऑफ ए इनटू टाइम ए प्लस स्पीड ऑफ बी इनटू टाइम बी. तो टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए अपन करेंगे स्पीड ऑफ ए यानी 30 को मल्टीप्लाई करेंगे टाइम टेकन बाय ए. टाइम टेकन बाय ए इज 9 प्लस स्पीड ऑफ बी यानी 45 मल्टीप्लाई बाय टाइम टेकन बाय बी, दैट विल बी 4. This comes out to be 270 plus 180. Therefore, we can say that total distance is 450 kilometer. The next thing is find the time taken to meet each other. We can say time taken to meet each other will be under the root of TA TB. That is equal to under the root of 9 multiplied by 4, which comes out to be 3 × 2, that is 6 hours. After 6 hours, they both will meet each other at this point. So, yahan par apne ko sabse pehle b ki speed nikalni thi, wo aa gayi apne paas 45 km per hour. Second, agar apne ko distance nikalna hai, to wo aa jayega 450 km. And third, time taken to meet each other will be 6 hours. नेक्स्ट कंसेप्ट अपन देखते हैं कि जब भी अपन को क्वेश्चन में दिया गया है डिस्टेंस जो कवर हो रही है वो इक्वल है. अगर मैं बोलता हूं d1 इज इक्वल टू d2, इन दिस केस आई कैन राइट डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम यानी स्पीड ऑफ फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय टाइम ऑफ फर्स्ट विल बी इक्वल टू स्पीड ऑफ टू मल्टीप्लाई बाय टाइम ऑफ टू व्हिच कम्स आउट टू बी s1 अपॉन s2 इज इक्वल टू t2 अपॉन t1. जब भी डिस्टेंस सेम होगी, जब भी अपन को यह दिया है कि क्वेश्चन में डिस्टेंस सेम है, तो अपन ये जो रेशियो है स्पीड और टाइम का, इसकी हेल्प से कोई भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे. अभी अपन क्वेश्चंस देखेंगे. डिस्टेंस सेम है तो अपन कह सकते हैं कि जो स्पीड्स का रेशियो होगा वो टाइम के रेशियो का इक्वल होगा, या टाइम का रेशियो होगा वो स्पीड के रेशियो का इक्वल होगा. अगर मैं बोलता हूं ए और बी इनकी स्पीड्स का रेशियो 3:4 है, तो इनके टाइम का रेशियो 4:3 होगा. ये जो सिंपल सा रेशियो है इसकी हेल्प से अपन कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं जिसमें अपन को ये दिया है डिस्टेंस सेम होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अ बॉय गोज टू स्कूल विद 4/5 ऑफ इट्स ओरिजिनल स्पीड एंड रीच स्कूल 5 मिनट्स लेट. फाइंड एक्चुअल टाइम टू रीच स्कूल. अब यहां पर अपन को ओरिजिनल और लेट स्पीड का रेशियो दिया है, यानी अपन लिख सकते हैं स्पीड का रेशियो लेट ओरिजिनल विल बी 4:5. ये रेशियो से अपन ने लिख दिया
जो लेट हो रहा है तो उसकी स्पीड 4 है, अगर ओरिजिनली टाइम स्पीड से जाता तो वो 5 है। टाइम का जो रेशियो होगा वो इसका रिवर्स हो जाएगा, वो हो जाएगा 5:4। अब टाइम का रेशियो 5:4 है अपने पास, और अपन को इसका डिफरेंस निकालना है, वो है अपने पास 1। क्वेश्चन में अपने को दिया है डिफरेंस 5 मिनट्स, अगर 1 5 मिनट्स के बराबर है तो अपन को 5 निकालना है, अगर लेट होता है तो कितना टाइम लगता है, 4 निकालना है अगर ओरिजिनली कितना टाइम लगता है। क्वेश्चन में अपन को पूछा एक्चुअल टाइम यानी 4 क्या हो जाएगा, 4 × 5 दैट विल बी 20 मिनट्स। इसी तरीके से अगर वो पूछता है कि लेट हो रहा है तो कितना टाइम लगेगा, वो हो जाएगा 5 × 5 दैट विल बी 25 मिनट्स। तो देखा अपन ने इस रेशियो की हेल्प से अपन विद इन सेकंड्स क्वेश्चन को कर लेंगे। सबसे पहले स्पीड का रेशियो निकालेंगे, टाइम का रेशियो इन्वर्स कर देंगे, उनका डिफरेंस यहां पर 1 है, वो अगर 5 मिनट्स दिया हुआ है तो 4 कितने बराबर होगा, 1 × 5 = 5 है तो 4 × 5 20 मिनट्स उसका ओरिजिनल टाइम है। और अगर अपन को क्वेश्चन में ये दिया होता है कि लेट हो रहा है तो कितना टाइम लगता है, तो 5 × 5 करेंगे 25 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ट्रेन गोज विद 5/12 ऑफ इट्स ओरिजिनल स्पीड एंड टेक्स 24 आवर्स, इफ इट गोज विद ओरिजिनल स्पीड हाउ मेनी आवर्स विल बी सेव्ड। यानी अगर कोई ट्रेन 5/12 स्पीड से जा रही है तो उसको 24 आवर्स लग रहे हैं, लेकिन अगर वो नॉर्मल स्पीड से जाती है तो अपना कितना टाइम बचा लेगी, आइए देखते हैं। यहां पर अपन को स्पीड का रेशियो दिया है 5:12, 12 भी नॉर्मल लेट, ये 12 है तो ये है अपने पास 5। टाइम का रेशियो हो जाएगा 5:12। अब अगर वो लेट होने के बाद 24 आवर्स ले लिए, यानी यहां पर उसको लग रहा है 24 आवर्स का टाइम, तो वो नॉर्मली कितना टाइम लेगी, अगर वो नॉर्मल स्पीड से जाएगी तो 5:12 × 2 = 24 तो ये हो जाएगा 5 × 2 यानी 10 आवर्स। इसी तरीके से आपको पूछा है कि कितना टाइम बच जाएगा, टाइम सेव्ड विल बी 24 − 10, टाइम सेव विल बी 24 − 10 दैट इज 14 आवर्स। अपन यहां से डायरेक्ट डिफरेंस से भी निकाल सकते हैं, अगर डिफरेंस 7 का है तो कितना टाइम हो जाएगा, 7 × 2 दैट विल बी 14 आवर्स, तो आंसर सेम ही आएगा, यानी ट्रेन अगर अपने नॉर्मल टाइम से जाएगी तो 14 आवर्स बचा देगी। अगला क्वेश्चन है अपने पास, इन कवरिंग 30 किलोमीटर ए टेक्स 2 आवर मोर देन बी, इफ ए डबल्स इज स्पीड देन इट विल टेक 1 आवर लेस देन बी, फाइंड द स्पीड ऑफ ए। अगर अपन को एक ही स्पीड निकालनी, सबसे पहली चीज यहां पर अपन ने देखा कि डिस्टेंस जो है वो सेम है, जब भी डिस्टेंस सेम होगा अपन को पता है अपन को क्वेश्चन करना है स्पीड के रेशियो से। अब स्पीड का रेशियो निकालने के लिए पहले अपन देखेंगे, अगर ये बी है, ए बी से कितना टाइम ज्यादा लेता है, प्लस 2 आवर, अगर ए अपनी स्पीड डबल कर देता है तो कितना टाइम कम ले रहा है बी से, 1 आवर, यानी ए अगर अपनी स्पीड डबल कर देता है तो वो खुद से 3 आवर्स कम ले रहा है, यानी नॉर्मल जो स्पीड से जो टाइम ले रहा था वो डबल करने के बाद स्पीड जो टाइम ले रहा है, उन दोनों टाइम का डिफरेंस हो गया अपने पास 3 आवर। तो अब यहां पर अपन उनकी स्पीड का रेशियो रख सकते हैं, एक ही स्पीड का रेशियो देखते हैं बिफोर आफ्टर, बिफोर उसकी स्पीड थी एस, बाद में डबल हो गई 2s, यानी अगर पहले 1 थी तो बाद में हो गई 2, तो टाइम का रेशियो हो जाएगा अपने पास पहले 2 फिर 1। अब ये अपन को डिफरेंस दिया हुआ है यहां पर 1 का, और 1 का डिफरेंस किसके बराबर दिया है, 3 आवर्स, यानी अगर वो अपन को पूछता है फाइंड द स्पीड ऑफ ए, स्पीड ऑफ ए निकालने के लिए अपने पास डिस्टेंस से अपन टाइम निकाल लेंगे कि ए नॉर्मली कितना टाइम लग रहा है, ए को नॉर्मली कितना टाइम लग रहा है, बिफोर 2 आवर्स, ये बिफोर है और ये आफ्टर है, 2 आवर्स यानी कितना लग रहा था, 2 × 3 दैट विल बी 6 आवर्स लग रहा था, 2 यहां पर था तो अपन ने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि 1 3 के बराबर है तो 2 6 के बराबर होगा। अब अपने पास ए की डिस्टेंस आ गई 30 किलोमीटर, टाइम अपने पास आ गया 6 आवर्स, तो स्पीड ऑफ ए हो जाएगी 30/6 दैट विल बी 5 किलोमीटर पर आवर। इसी तरीके से अगर वो अपन से पूछेगा कि बी की स्पीड क्या होगी, बी के लिए अपन को सीधा दिया है बी से उसको ए को 2 आवर्स ज्यादा लगते हैं, यानी बी को कितना टाइम लगेगा, 4 आवर्स, तो बी की स्पीड क्या हो जाएगी 30/4 दैट विल बी 7.5 किलोमीटर पर आवर।
तो इस तरीके से जब भी अपन को क्वेश्चन में डिस्टेंस सेम दिया होगा, अपन S1 by S2 is equal to T2 by T1 स्पीड के रेशियो से और टाइम के रेशियो से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो काफी जल्दी क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे।